श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि जॉब इंटरव्यूज में सक्सेस के लिए 12 टिप्स हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो इंटरव्यू बहुत मुश्किल और परेशान करने वाला हो सकता है। किसी भी इंटरव्यू के दौरान बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आत्मविश्वास से लबरेज और संतुलित होना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप सही वक्त पर सही सवाल का सही जवाब दे सकें और वो भी पूरे जोश के साथ। हम आपके यहाँ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिनका ध्यान रखते हुए आप अपने अगले इंटरव्यू में काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। पहली चीज़, खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएं। अपने CV की एक कॉपी और पेन आपके साथ होना ही चाहिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए पहुँचें। इस बात की उम्मीद नहीं करें कि जो CV आपने भेजा था इंटरव्यू लेने वाला आपकी CV की कॉपी लेकर बैठा होगा, और जब भी आपको कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको पेन ऑफर कर देगा। खुद ही आने वाली परिस्थिति के लिए तैयार होकर जाना ठीक रहता है। फिर बैकग्राउंड रिसर्च ज़रूर करें। किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते वक्त वहाँ का बैकग्राउंड पता होना बेहद ज़रूरी है। आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस हिसाब से तैयारी करें। इंटरनेट इस बारे में जानकारी निकालने की तैयारी करने का अच्छा तरीका है। फिर वक्त पे पहुँचें। जब भी आप इंटरव्यू के लिए लेट पहुंचते हैं और इंटरव्यू लेने वाला आपका इंतज़ार कर रहा होता है तो आप आधे घंटे या आधे अंक पहले ही खो चुके होते हैं। जल्दी निकलिए और वक्त से पहुंचिए ताकि आपका पहला इंप्रेशन अच्छा हो। वक्त से पहुंचना हमेशा काम आता है। फिर इंतज़ार करते वक्त घबराइए मत। सुबह के वक्त रखे गए इंटरव्यू अक्सर HR की मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंस के चलते लेट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सब्र के साथ इंतज़ार करना ठीक रहता है, ताकि ऐसा न लगे कि आप बहुत दिक्कत में या परेशान हैं। फिर डिमोटिवेटेड मत दिखिए। नकारात्मकता बड़ी आसानी से आपके चेहरे पर नज़र आ जाती है। कभी भी अपने आसपास मौजूद कैंडिडेट्स की संख्या देखकर अपना उत्साह मत खोइए, बल्कि आने वाले चैलेंज के लिए तैयार रहिए। आपका फ़ोन आपको दिक्कत दे सकता है। इंटरव्यू लेने वाले चैम्बर में घुसने से पहले अपने फ़ोन को बंद करना या साइलेंट मोड पर लगाना बिल्कुल मत भूलें। आपके फ़ोन की एक रिंग या मैसेज बीप आपका और इंटरव्यू लेने वाले का दिमाग डाइवर्ट कर सकती है। फिर आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है, उससे विल पावर झलकता है। जब भी इंटरव्यू लेने वाले के सवालों का जवाब दें तो इधर उधर देखने की बजाय बेहतर होगा कि इंटरव्यू लेने वाले की आंखों में देख कर बातें करें। कॉन्फिडेंट दिखने का ये अच्छा तरीका है। ग्लास पर या आसपास खिड़की के बाहर देखना आपको न सिर्फ कम कॉन्फिडेंट दिखाएगा बल्कि आपका ध्यान भी इंटरव्यू लेने वाले से सवाल से भटका देगा। अपने स्किल्स के बारे में बताएं। इधर उधर की बातों की बजाय यदि आप अपने स्किल्स और आप कैसे उनसे कंपनी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं इस बारे में ज़्यादा बोलें। हर कंपनी एक ऐसा कर्मचारी ढूंढती है जो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद बन सके। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। किसी भी इंटरव्यू के दौरान आपका संतुलित रहना और जो पूछा जाए वही जवाब देना, यह दिखता है कि आप कितने होशपूर्ण हैं। यह पूछे जाने पर कि आपने किस डाटाबेस पर काम किया है, डाटाबेस का नाम, उसके वर्जन और डिटेल के साथ बताएं यह बताने के कि वह किस प्रकार का डाटाबेस था। फिर गूगली बॉल को बिल्कुल सही तरीके से खेलना है आपको। हर इंटरव्यू में गूगली सवाल ज़रूर होता है जो कई बार आपको घुमा देने और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर जांचने के लिए पूछा जाता है। ऐसी हालत में मुझे नहीं पता है यह कहने के बजाय जल्दी से सोच कर उसका एक मज़ेदार और संतुष्टिजनक जवाब दें। एक बार आपने सही शुरुआत की तो इसे जारी रखना आसान होता है। अपनी पहली कंपनी की बुराई नहीं करें। किसी भी इंटरव्यू लेने वाले के सामने अपनी पहली कंपनी की बुराई करना या अपने बॉस को कोसना बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं। इंटरव्यू एक ऐसा मौका है जब आपको जॉब से पहले आपको अपने इंटरव्यूअर को जीतना होता है। फिर पॉलिटिकल बातें नहीं करें। फाइनल ऑफर मिलने से पहले रिलोकेट करने, ट्रांसपोर्ट का तरीका और यात्रा करने का सही वक्त जैसी बातें नहीं करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।